हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे सेवाओं की। एक हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। अब बात करेंगे व्यावसायिक सेवाओं की, मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या, इनकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सेवाएं और इसी के प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि हुआ क्या, क्यों आवश्यकता हुई, क्या हुई, इन सारी चीजों के लिए समझिए। तो बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। आज 100 साल पहले का समय है नहीं, बहुत कंपटीशन है बिजनेसेस में। अच्छा, और इस वजह से होता यह है कि कंपनियां वही काम कर रही होती हैं जिसे वो सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सकती हैं। आप वो काम करना स्टार्ट करोगे जिसमें आप अच्छे नहीं हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो, क्यों हो जाओगे? आपको एक काम आता है बहुत अच्छे से, आपके पास लोहे की दुकान है आपकी, आपको लोहे का काम करना बहुत अच्छे से आता है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है लोग जल्दी जल्दी आप बना करके दे देते हो। आपने सोचा लकड़ी का काम करना भी स्टार्ट कर दें। अब लकड़ी का काम ऐसा है जो आप बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छा काम कर ले रहे हैं। तो आपका गलत बिजनेस में घुस जाना, आपका जो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उसको भी नुकसान करने लग जाता है। तो इसलिए होता है क्या कि आप वही काम करो, कोई भी कंपनी है तो भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे नीश बनाते चले आ रहे हैं। नीश समझते हैं, एक अपने लिए स्थान बना लिया कि हमें यही काम करना है। तो आप अगर वही काम कर रहे हो लेकिन आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए चाहिए जरूरत तो बहुत सारे अन्य कामों की होती है, तो हो क्या जाता है कि आप वही काम कर रहे होते हो लेकिन होता क्या है कि व्यावसायिक इकाइयां पेशेवर व्यावसायिक सेवाओं पर अधिक आधारित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता आपको होती है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का भी आप मैनेज करना स्टार्ट करो कि नहीं नहीं मैंने अपना सामान बनाऊंगा और मैं खुद ही अपने ट्रक्स रखूंगा, अपने ही ट्रक से चीजों को भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, आपको ट्रक्स मैनेज करने का भी हेडेक लेना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर्विसेज जो आप पूरी तरह से तो कर ही नहीं सकते हो, पहली बात तो ये है। दूसरा है कि बहुत सारी चीजें आप बहुत इनएफिशिएंटली करोगे, आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उस तरफ, इसलिए समस्या हो जाएगी। तो आप वही काम करो जो आप अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी आपको इंसान को वैल्यू इसी चीज की हो रही है। एक तो होता है कि जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जर्नलिस्ट। एक होता है जर्नलिस्ट, ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको सारी चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, अच्छा। और दूसरा जो होता है, जो पत्रकार होता है उसको बोलते हैं जर्नल से निकलता हो, तो जर्नलिस्ट हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, जो आईएएस ऑफिसर या फिर जो मंत्री हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव लोग हैं, उनको सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन बिजनेसेस में अगर आप किसी चीज का स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि आप उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि आप एक ही काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए किसी और पर निर्भर करना पड़ता है, और वही सारी चीजों को क्या बोल देते हैं लोग, व्यावसायिक सेवाएं, जिन पर निर्भरता बढ़ जाती है किसकी, बिजनेसेस की। अच्छा, तो क्या क्या हुआ, उदाहरण क्या है, जैसे धन की प्राप्ति के लिए आपको बैंकों पर निर्भर, आपको फंड्स उठाने हैं, फंड्स लाने हैं, तो कहां से लेकर क्या होगा, तो बैंकों पर लेकर क्या होगे। आपको अपने यहाँ पर बहुत सारे तरह का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, अपने संयंत्र है, मशीनरी है, माल है, गुड्स है ना, इनमें बिल्डिंग है, इसके लिए आप बीमा करा लेते हो तो आपको बीमा कंपनियों की आवश्यकता हो जाएगी। ऐसे अपने सामान को भेजना है, कच्चे माल को, तैयार माल को ढोने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हो जाती है ना। अपने विक्रेताओं तक पहुंचने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से संपर्क के लिए आपको दूर संचार की, टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, फोन पर आप बात कर पाओगे, मेल कर पाओगे, ईमेल सर्विसेज, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, डाक सेवाओं पर निर्भरता हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये क्या हो गई, आपकी सेवाओं के उदाहरण हो गए जिनकी आपको इन जनरल आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, इन जनरल आमतौर पर इन सारी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अच्छा, हुआ क्या, जो व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय किन चीजों से होता है, उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। वही है, हमें बिजनेस को चलाना है तो बिजनेसेस को चलाने के लिए जिस तरह की सर्विसेज की आवश्यकता है उनको बोल देते हैं हम लोग क्या, बिजनेस सर्विसेज। अच्छा, व्यावसायिक सेवा हो गई, वही मैंने बताया था, बैंकिंग है, बीमा है, यातायात है, संग्रहण, ठीक है, और संदेश वाहन, ठीक है। अब यही सारी चीजें, स्टोरेज भी हो जाता है, तो ये सारी चीजें हो जाती है मिलाकर के, गोडाउन कई लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें मिलाकर के क्या होगी, बिजनेस सर्विस होगी, जिसमें से हम लोग सबसे पहली जो अपनी सर्विस है जिसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसका नाम है बैंकिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है, ऐसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बैंकिंग का ओवरऑल आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। क्या होता है, इनका अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय में किसी ना किसी रूप में वित्त मतलब फाइनेंस, ठीक है, वित्त प्रदान करने में सहायक होती है। अच्छा, जैसे बैंक व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करती है, ऋण को छोड़कर के अंडरराइटिंग का भी काम करते हैं। अंडरराइटिंग क्या होता है, कभी कभी आपको अपने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इश्यू करने होते हैं, डिबेंचर्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऋण पत्र, और शेयर्स को बोलते हैं अंश।
तो वो इश्यू करने के लिए अंडरराइटर का काम भी करती है, कई तरह की सेवाएं लोग दे रहे होते हैं। आपको किसी ने चेक दिया हुआ है, चेक किसी और बैंक का था, तो वो आप अपनी बैंक पर वो पैसे लेकर आ सकते हो। तो बहुत सारी तरह के लोग सेवाएं दे रहे होते हैं और खासतौर से आपको वित्त प्रदान करने में किसी ना किसी रूप में ये लोग हेल्प करते हैं। तो क्या हो जाती है आपकी बैंकिंग का ये काम है। अच्छा समझिए, बैंक जमा के रूप में धन स्वीकार करते हैं। बेसिक फीचर क्या होता है, जिसके पास बचत है, क्या हुआ हमारे पास है बचत, ठीक है, मैं एक आम आदमी हूं, पैसे से नौकरी कमाए, ऐसे नौकरी से पैसे कमाए, मैंने बोला पैसे से नौकरी कमाई, नौकरी से पैसे कमाए, बचत हुई, जो बचत है उसका मैंने कुछ बैंक में दे दिया, बैंक ने वही पैसा जो है वो जिसको जरूरत है उसको क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब क्या हुआ, लोन इसको दिया 10% पर, आपको दिया 8%, बीच का जो 2% है यही बैंक का बिजनेस का मॉडल होता है। अच्छा, जनता से पैसे लोग जमा कराते हैं, जिसे मांगने पर लौटाना ही होता है, ऐसा नहीं कि आपसे मांगा गया तो आप पैसे रख लोगे वापस नहीं करोगे, ऋण देकर लाभ कमाते हैं, ठीक है, ऋण देकर के वही आपको 10% पे लोन दे दिया, 8% पर लिया हुआ था, दोनों को ब्याज दे, एक को दे रहे हैं ब्याज, एक से ब्याज ले रहे हैं, और उन दोनों के बीच में अंतर है, और उसी अंतर में बिजनेस जो बैंक होती है उनको क्या होता है, पैसे मिल रहे होते हैं। अच्छा, और क्या है बैंकों के प्रकार, हमारे देश में चार तरह की मेनली हम लोग बैंक्स देखते हैं, इसमें रीजनल रूरल बैंक्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, बट सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स आ जाती है हमारी कमर्शियल बैंक्स, ठीक, जो भी आप बैंक से नॉर्मली नाम जानते हो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कमर्शियल बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, ये सारी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर की हमारी कमर्शियल बैंक्स हो गई। अच्छा, दूसरी हो जाती है सहकारी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। क्या होता है इसको हम लोग समझ लेंगे, पहले चारों प्रकार देख लेते हैं। तीसरा जो हमारी हो जाती है विशिष्ट बैंक, को एक पर्टिकुलर स्पेशल नीड है, उस नीड को फिलफिल करने के लिए जिस तरह की बैंक्स होती है उनको बोल देते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आया तो निर्यात करने के लिए जिस तरह की बैंक्स, उनको क्या बोलेंगे हम लोग विशिष्ट बैंक। और जो चौथा प्रकार आ जाता है वो आता है केंद्रीय बैंक का, सेंट्रल बैंक का, ये बैंक्स नहीं है, ये एक ही बैंक होती है, ठीक है, यहाँ पर बैंक्स नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ समय बैंक्स बैंक्स बैंक्स, और ये है बैंक, एक ही होती है सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, आ रही बात समझ में। अच्छा, क्या होता है इसकी बात करेंगे हम लोग, अब एक एक करके देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक में क्या होता है, जो नॉर्मली बैंक हम लोग समझ रहे होते हैं ना, सारी वाणिज्यिक बैंक ही है, जो मेन काम हो रहा होता है उसमें क्या होता है, मुद्रा में व्यापार करते हैं, मनी में वही व्यापार कर रहे होते हैं इनका। भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम है 1949 का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 का, इसी के द्वारा इनका शासित हो रही होती है ये सारी, इनका शासन जो है किन क्या नियम होंगे क्या सारी चीजें होंगी, तो वो इस एक्ट, इस अधिनियम के जो 1949 में था उसके तहत ही चल रही होती है। फिर क्या होता है, इस अधिनियम के अनुसार ये है कि बैंकिंग का अर्थ ऋण देने अथवा विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करना है। समझिएगा, मैं भी ये सोचूं कि यार मैं भी ऐसा करूं, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं, तो मैं बहुत सारे लोगों से जिनको जानता हूं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों से मैं पैसे ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं पैसे, वही पैसे मैं किसी और को उधार पे दे देता हूँ, उधार पे देता हूँ ज्यादा परसेंट पे, और इन लोगों को देता हूँ, इन लोगों से पैसे लेता हूँ कम परसेंट पे, तो मैं भी बैंक की तरह काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बैंक की तरह काम कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बैंकिंग लाइसेंस चाहिए होता है, बैंक कर सकते हैं, उसमें एक तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों से तो आपको चल जाता है, वो आपको सीधे सीधे जानते हैं, लेकिन आम जनता से आप पैसे नहीं आ सकते। और मैं किसी बैंक में जाकर के पैसे जमा कर रहा हूँ, सोचिए कितना बड़ा ट्रस्ट होता है कि इस बैंक मुझे बाद में पैसे दे देगी, बैंक के लोगों को मैं नहीं जानता, बैंक के मैनेजर को मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन बैंक क्या कर रही है, आपका पैसा लेकर के रख रही है। और पैसे वाली चीजें ऐसी आ रही होती है जहां पर लोग अलग अलग तरह के ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत सारे लोगों के बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह की चीजें हो रही होती है, तो उस केस में किस स्तर का ट्रस्ट बना करके बैंक से चलना चाहिए और चलना पड़ता है। सोचिए कि अननोन लोगों को आपने अपना पैसा जमा कर दिया और उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पैसा वापस कर देंगे, जब मांगोगे तब वापस कर देंगे, और ये सारी चीजें बैंक्स करती हैं, ये सिस्टम पूरा कर रहा होता है, तो ट्रस्ट पर ही चल रहा होता है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो रही होती है। अच्छा, होता क्या है, जनता से पैसा उठा सकते हैं, जनता से जमा जो है ना वो स्वीकार कर सकते हैं, बाकी तभी आप बैंक हो जाएंगे। और किसके अनुसार आया, जो हमारे 1949 का बैंक का जो एक्ट है, अधिनियम है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसी में वाणिज्यिक बैंक जो है दो प्रकार के मेनली है, निजी क्षेत्र के बैंक है और आपका सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के। तो जो निजी क्षेत्र के बैंक है ना, उनमें जो स्वामित्व है यानी कि ओनरशिप, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और नियंत्रण यानी कि उसका जो कंट्रोल है वो निजी हाथों में होता है, ठीक है, सरकार की उसमें हिस्सेदारी नहीं है। अच्छा, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है जिसमें सरकार की काफी तगड़ी हिस्सेदारी होती है, पूरी तरह से सरकार की नहीं होती उसमें भी हिस्सेदारी, उसमें पब्लिक की भी है, लोगों की भी है, बट मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, खासतौर से 51% से ऊपर हम लोगों के देश में जो कंपनीज एक्ट है उसमें निर्धारित होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, सरकारी कंपनी बोलते हैं। लेकिन बैंक्स के लिए अलग एक्ट हो जाता है, मैंने बताया ना, बैंक्स के लिए तो हम लोग ये जो बैंक का रेगुलेशन एक्ट उसके तहत काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट नहीं आता, बट फिर भी सरकार की शेयर होल्डिंग 51% से ऊपर रहती है तब लोग उसको बोल देते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है नॉर्मली। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये लोग देखते हैं कि मार्केट फोर्सेस कैसे हैं भाई, बाजारी शक्तियां उनके अनुसार ये लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें स्वतंत्र हैं ये लोग। और इसमें कौन कौन सी बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और फिर आपकी आईसीआईसीआई बैंक भी काफी बड़ी बैंक है, हालांकि इसमें चंदा कोचर साहब का कुछ कुछ इशू आया था, ये आईसीआईसी बैंक हो गई, ऐसे ही आपकी इसमें तो दिया हुआ नहीं है, ऐसे यस बैंक भी है, आईएनजी बैंक है, ये सारी वो बैंक्स हैं जो आपकी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अच्छा, और ये आपकी आ जाती है सार्वजनिक बैंक्स, कौन कौन सी हैं, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, अब दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा आ गई थी लेकिन शायद फिर से खिसक गई, सबसे बड़ी एसबीआई है अपने देश में, एक्चुअली सबसे बड़ी बैंक अभी भी एसबीआई है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से कैचअप कर रहा है, और इसी में बाकी बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, की सारी बैंक्स आपकी क्या क्या हो जाएंगी, सरकारी बैंक्स हैं। अच्छा, यूको बैंक, ये सब हो गई, क्या हुआ, वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, दूसरी कौन सी थी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इनको बोल देते हैं हम लोग क्या, पीएसबीज बोलते हैं, ठीक है, कई बार क्या बोलते हैं, पीएसबीज, ऐसा हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, कई हैं तो हो जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अच्छा, इसमें क्या क्या है आपका, इनका जो है ना सरकार की बड़ी हिस्सेदारी होती है, एक तो ये पॉइंट है पहला, और दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका सामाजिक उद्देश्यों पर जोर रहता है, इसमें आपको समझना होगा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना उनसे भी सरकार कराने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर तो मेन उद्देश्य यही रहता है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, लाभार्जन जो है वो उद्देश्य नहीं है, क्या होता है, एक चीज बोली जाती है पीएसएल, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, लेंडिंग मतलब किसी को उधार देना, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जाता है, खेती आ जाती है, खेती करने वाले जो लोग किसान हैं, ऐसे एजुकेशन लोन आ जाता है, शिक्षा ऋण है ना, किसी को घर के लिए ऋण चाहिए तो घर के लिए, शिक्षा के लिए और खेती के लिए, ये जो ऋण है जहां पर लोगों को वास्तव में कर्जे की जरूरत है नहीं मिल पा रहा है, वहां पर समाज का कल्याण, इस उद्देश्य से इन सारी बैंक्स में कंडीशंस रहती है, नॉर्मली 40% तक इनको जो इनके डिपॉजिट्स होते हैं वो पैसा किसको देना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग करना पड़ता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अलग से बैंकिंग को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि सामाजिक उद्देश्यों पर जोर है, लाभार्जन इनका प्रमुख उद्देश्य नहीं होता। अच्छा, अब क्या हुआ, सहकारी बैंक से दूसरी कैटेगरी आती थी हमारी बैंक्स की, उसमें क्या हो जाता है, राज्य सहकारी समितियां अधिनियम जो होता है ना उसके तहत इनका शासन हो रहा होता है, इसी को इंग्लिश बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अच्छा, दूसरा क्या है, अपने सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, महंगा इनका नहीं रहता है, इनके जो सदस्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना 11th क्लास में, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो लोग फिर से वीडियोस देख रहे हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स में जिनके मेंबर्स होते हैं उनको सस्ता लोन मिल पाए, ये इनका उद्देश्य रहता है, और खास में इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वहां पर इन लोगों का काफी ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में, कृषि वित्तीयन का यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग है उसमें इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और क्या है, सूदखोरों से निजात, मतलब ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट, गांव वगैरह अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना कुछ कुछ होते हैं सूदखोर लोग, कुछ 4% 5% पर आपको क्या देते हैं इंटरेस्ट पर ब्याज दिया, मतलब इस इतने ब्याज पर आपको लोन देते हैं। अब कोई गरीब इंसान है उसने 100 रुपए का लोन लिया, अब अगर 5% का वो हर महीने के हिसाब से दे रहा है तो उसको 60 रुपए साल के अंत में ब्याज देना पड़ जाएगा, तो 100 रुपए के बदले उसको 160 रुपए देना पड़ेगा, जबकि बैंक आपको कितने में 7-8% का भी रेट चल रहा है मुश्किल से, तो 8% पर आपने बैंक से 100 रुपए लिए तो आपको 108 रुपए ही वापस करने हैं, लेकिन आपने किसी सूदखोर इंसान से किया है तो आपको 160 रुपए देना पड़ेगा। और इसी में क्या होता है, कई बार गरीब किसान नहीं दे पा रहा होता है तो वो एक जाल में फंस जाता है, मदर इंडिया मूवी देखी होगी अगर आपने, तो पहले बहुत सारे लाला टाइप के लोग ऐसे हुआ करते थे, आज भी आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मिल जाएंगे, और किसानों को कई बार अपने कई तरह की चीज होती है, फसल खराब हो गई या फसल का दाम बहुत कम हो गया, किसी बेटी की शादी है, कई बार घर में कोई बीमार पड़ गया तो पैसे लेने पड़ जाते हैं, और इन लोगों से पैसे लेने के बाद से किसान उनके जाल में फंस जाता है, फिर जीवन भर पैसा देता चला जाता है बेचारा और कभी भी कर्ज से उबर नहीं पाता, उसको हम लोग बोल देते हैं डेट ट्रैप। क्या बोल देते हैं, डेट ट्रैप, ट्रैप मतलब समझ जाए, रेट रैट होता है ना, रैट चूहा बोलते हैं, तो उसके भी रैट ट्रैप होता है, जिसमें देखा ना चूहेदारी जिसको हम लोग बोल देते हैं हिंदी में, ऐसे यहां पर क्या होता है, आपके ऊपर शिकंजा जाता है किसका, कर्ज का, और कर्ज में इंसान एक बार डूब जाता है फिर निकल नहीं पाता, तो इस तरह की समस्या हो जाती है। ऐसे क्या हुआ, विशिष्ट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, ये क्या क्या है, कोई विशेष उद्देश्य है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की हुई थी, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए आपको कोई बैंक चलानी है, तो उसको क्या हो जाती है, अलग अलग तरह की कुछ विशेष जरूरतें हैं उनको पूरा करने का ही जिनका काम है मेनली, उस तरह की जो बैंक्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स। क्या क्या हो गए, विदेशी मुद्रा बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हैं, ठीक है, इनका वो काम मेंटेन करने का और उसी में डील करने का है, कोई भी बाहर से आ रहा है तो उन सारी चीजों को, हालांकि जो कमर्शियल बैंक्स है ना इनके बहुत सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स भी कर रही होती है, बट इनका उद्देश्य स्पेसिफिकली उतना ही काम करना, तो इनका दायरा बहुत सीमित होता है। क्या क्या हो जाता है, औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गई, विकास बैंक है वो डेवलपमेंट बैंक है, और फिर आयात निर्यात बैंक, डेवलपमेंट बैंक मतलब डेवलपमेंट वाले काम के लिए ही वो पैसा देना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक। और फिर आपका जो चौथा है वो आ जाती है केंद्रीय बैंक, जो इन जनरल भारत में कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो
रेगुलेशन है, नियमन है, नियंत्रण है उनके ऊपर, उनके ऊपर निगरानी है, वो सारी चीजें ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कौन करता है? ये सेंट्रल बैंक करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। काफी अच्छा काम किया इन्होंने बहुत सारे सेगमेंट्स में। मॉनेटरी पॉलिसी भी लोग निर्धारित कर रहे होते हैं, रेपो रेट कितना रहेगा, रिजर्व रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा, ये सारी चीजें आ रही होती है और बाई मंथली निकल रहा होता है। शशिकांत दास जी इनके गवर्नर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, रघुराम राजन जैसे लोग भी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो बहुत सारी चीजें रही हैं, कभी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन करता है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करता है, नियमन यानी कि रेगुलेशन करता है। यह पूर्णतः सरकार का बैंक होता है, इसमें पूरी तरह से सरकार का ही क्या होता है, हिस्सेदारी होती है, जिससे कि देश में जो ट्रस्ट है। अगर पता है आपको, एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, 1993-94 का सीन है, एग्जैक्टली मुझे टाइम पीरियड नहीं याद, बट हाँ 1993 के आसपास की बात है। एक बार ऐसी अफवाह फैली थी कि आईसीआईसीआई बैंक में, तब एटीएम एकदम स्टार्ट हुए थे, कुछ कुछ जगह पर ही इंप्लीमेंट हुए थे, बहुत कम जगह थी ऐसी, और बैंक्स हुआ करती थी, लोग डायरेक्टली बैंक से पैसे निकाला करते थे, और ऐसी अफवाह उड़ी कि आईसीआईसीआई बैंक डूब रही है। क्या अफवाह उड़ी थी? आईसीआईसीआई बैंक डूब रही है। अब आईसीआईसीआई बैंक जब डूब रही है, ऐसी अफवाह उड़ी, तो ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये तो ट्रस्ट पर ही है, बाकी लोग सही लोग पैसे निकालने लगे बाकी बैंक से। तो ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर आरबीआई के निर्देशन में गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी पैसों से भर करके, कि लोग निकालते आ रहे पैसे और हमारे पास सफिशियंट पैसा है, जिससे कि ट्रस्ट ना टूट पाए, और बाकी बैंक से भी इस टाइम पर पैसे देने का निर्देश रखा दिया गया था, जिससे कि पूरा सिस्टम बना रहे। बहुत फ्रेजाइल सिस्टम होता है बैंकिंग वाला, अगर ट्रस्ट गया, एक बार भरोसा उठा, तो लोग पैसे निकालने लगे, पैसे की बात आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आरबीआई काफी अच्छा काम करती आई है, इसको हम डिटेल में कभी अलग से आरबीआई को डिस्कस करेंगे, तब सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग वाणिज्यिक बैंक के काम क्या क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में, और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सारे चैप्टर्स, पता है हम लोग की जो ओवरऑल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है ना, कि देश में क्या चीजें चल रही क्या नहीं चल रही, उन सबको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ा रहा होता है, इसलिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।